नमस्कार, स्वागत आपका नादी टीवी में और मैं हूं आपके साथ पूनम जैन। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि मध्य प्रदेश में कोरोना को लेकर स्थिति में लगातार सुधार हो रहा है। संक्रमण दर 1% से भी नीचे आ चुकी है जबकि रिकवरी रेट 99% से ज्यादा हो गया है। उन्होंने कमलनाथ और अजय सिंह के बीच तनातनी को लेकर भी कांग्रेस पर कटाक्ष किया तो कोरोना की तीसरी लहर को लेकर भ्रम फैलाने को सख्त हिदायत दी है। क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। लगातार कोरोना के क्षेत्र में सुधार हो रहा है और राहत भरी खबरें पूरे प्रदेश से आ रही हैं। जैसा मैंने 3 दिन पहले कहा था कि अब 4 डिजिट समाप्त हो गई है और हम 3 डिजिट पे आ गए हैं। 3 डिजिट में भी हम प्रतिदिन सुधार कर रहे हैं और घट रहे हैं। 798 नए प्रकरण पूरे मध्य प्रदेश से कोरोना के मिले हैं जबकि ठीक होकर अपने अपने घरों को जाने वाले जो पेशेंट हैं वो 2045 हैं। अगर हम संक्रमण देखें, संक्रमण दर देखें, पॉजिटिविटी रेट देखें तो यह भी 1% से नीचे आ गई है। आई 99 -99 थी, वो 1% से कम थी। और वहीं अगर हम रिकवरी रेट देखें, सुधार का आंकड़ा अपना, तो रिकवरी रेट हमारी बढ़कर 97.3 हो गई है जो कि एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। आप सबको ये जान के भी प्रसन्नता होगी कि मध्य प्रदेश के सभी जिले पूरे के पूरे 54.3% से कम हो गए। कमलनाथ के ट्विटर के सुर बेसुरे हो गए हैं और वो उनके अपनों को भी पसंद नहीं आ रहे हैं। अब अजय सिंह जी ने उन्हें संयम बरतने की सलाह दी है। अभी तक मैं कहता था कि भाई आप जो मुद्दे उठा रहे हो ट्विटर पर ही राजनीति कर रहे हो, उन्होंने कहा है कि इनके बोलने से ट्वीट करने से कांग्रेस को नुकसान होता है। उनका बोलना उन्होंने भिन्न का अपमान बताया है, ये अच्छा नहीं है। उनकी अपनी है, अभी तक हम पे इल्जाम लगा रहे थे कि हमारे कारण से सरकार गिर गई। अब बताओ माननीय कमलनाथ जी, अजय सिंह जी कह रहे हैं कि आपकी वजह से सरकार गिरी है, आप कांग्रेस के लोग आपस में बैठ के तय क्यों नहीं कर लेते हो कि किसकी वजह से सरकार गिरी है? आप जनता के बीच नहीं जा रहे कमलनाथ जी, कोई बात नहीं है, अब कांग्रेसियों के बीच तो चले जाओ, इन लोगों को तो मना लो कम से कम। मुझे नहीं पता किसने ये कह दिया और उसने इंतजाम कहां से देख लिए। और मैं उनसे फिर कहूंगा कि ऐसी बातें नहीं कह रहे प्रारंभ से भ्रम फैलाने की। भाई वो जानकारी ले लें पहले अपने स्तर पर। हमारे पास में सारे इंतजाम हैं, बच्चों के भी हैं, जवानों के भी हैं, बुजुर्गों के भी हैं। ऐसा भ्रम न फैलाए कोई, और अगर कोई फैलाएगा तो हम गंभीरता से लेंगे। हम एक महामारी से अभी गुजरे हैं, हमने फेस किया है इसी तरह के भ्रम के कारण से। आज भी वैक्सीन में हम फेस कर रहे हैं इस तरह की चीजें। लोगों का भ्रम निकालने में काफी एनर्जी जाती है, नपुंसक हो जाएंगे, सुअर की चर्बी है, भाजपा की वैक्सीन है, और ये फिर बच्चों में अगर कोई फैला रहा है सख्ती से पेश आएंगे।